नमस्कार, मैं हूं अमिता और आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। खबर की शुरुआत में सबसे पहले बात दिल्ली की आबकारी नीति और धन संशोधन से जुड़े अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। दो जजों की पीठ आज दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने उन पर शर्त लगाते हुए निर्देश दिया है कि वो अपना पासपोर्ट जमा कर दें। उन्हें हर सोमवार को थाने में गवाही देनी होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने उनसे कहा है कि वो गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। कोर्ट ने उन्हें सचिवालय जाने की इजाजत दी है। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने सुनवाई के बाद 6 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। और दिल्ली की आबकारी नीति और धन संशोधन से जुड़े अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मनीष हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। मनीष सिसोदिया के लिए बड़ी खबर और एक राहत भरी खबर। खराब नीति मामले मनीष सिसोदिया के फिलहाल जमानत दे दिया। अदालत ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी रखी है। कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। वह गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकते मनीष सिसोदिया। साथ ही उन्हें हर सोमवार को जांच अधिकारी को रिपोर्ट करना होगा। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अक्टूबर में हमें बताया गया था कि 6 से 8 महीने में मुकदमा पूरा हो सकता है। हमने कहा था कि अगर ऐसा ना हुआ तो आरोपी दोबारा जमानत की मांग कर सकता है। आरोपी लंबे समय से जेल में है और ऐसे में हमसे पीएमएलए सेक्शन 45 में दी गई जमानत की कड़ी शर्तों से रियायत की मांग की गई थी। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा, इस चीज को भी ध्यान रखना है कि ईडी ने कहा कि आरोपी गैर जरूरी दस्तावेज मांग रहा है। सैकड़ों आवेदन दाखिल किए, रिकॉर्ड ऐसा नहीं दिखाते हैं कि ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में बहुत अधिक आवेदन दाखिल नहीं हुए। इसलिए मुकदमे में देरी के लिए आरोपी को जिम्मेदार मानने की निचली अदालत और हाईकोर्ट के निष्कर्ष से हम सहमत हैं और आरोपी को दस्तावेज देखने का अधिकार है। तो कुल मिलाकर देखिए, यहाँ पर कुछ शर्तों के जांच जो मनीष सिसोदिया को दी गई है उसमें 10-10 लाख के दो मुचलकों पर जमानत दी गई है। पासपोर्ट जमा करना होगा मनीष सिसोदिया को। हर हफ्ते सोमवार को जांच अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। गवाहों को प्रभावित ना करें, ईडी ने कहा है। वैसे फिलहाल वो गवाहों को प्रभावित नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो कुछ गवाह है वो फिलहाल ईडी जो ने पेश कर रखे है। और ऐसे में उन्हें सचिवालय आने जाने का भी छूट दे दी गई कि आप सचिवालय आ जा सकते हैं। आम आदमी पार्टी में खुशी है और इसी को लेकर मंत्री आतिशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मिठाई लोग एक दूसरे को मिठाई भी खिला रहे थे। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा कि सत्य की जीत हुई है, असत्य की हार हुई है। तो इस तरह की बातें भी अब जो है अब सामने निकल कर आ रही है। इसको लेकर थोड़ी बहुत सियासत भी करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी पर लगातार एलिगेशन लगाए जा रहे हैं से। ये तो कई शर्तें रख दी गई हैं मनीष सिसोदिया के सामने, लेकिन ऐसे भी उन्हें आगे भी अलर्ट रहना होगा क्योंकि मुश्किलें इनके लिए कभी भी बढ़ सकती है। उसके लिए कहां पे इनको और परेशानी हो सकती है, इसके लिए कितना सतर्क रहने की जरूरत है। देखिए, यहां पर ये भी समझना होगा कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है और कुछ शर्तों के साथ जमानत मिली। और मनीष सिसोदिया के साथ एक चीज और भी है, कोर्ट ने एक सख्ती भी बरती है कि आप अपने पासपोर्ट को जमा कीजिए और कुछ जो लिंक है वो है, तार जुड़े हुए हैं शराब घोटाले से, तो आप बाहर नहीं जा सकते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो ये दर्शाती है कि मनीष सिसोदिया के थोड़े बहुत तार जो है जुड़े हुए दर्शाते हैं। तो इसलिए भी कोर्ट ने भी बड़ा सोच समझ कर जो उनको जमानत दी है। लेकिन कोर्ट ईडी की तरफ से कहा गया कि मनीष सिसोदिया ने जो है लेट किया है चीजों को लेकर, तो लेकिन कोर्ट इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए हाईकोर्ट के फैसले को बदला गया, रद्द किया गया और मनीष सिसोदिया को मनीष सिसोदिया को जमानत फिलहाल दे दी गई है। कुछ शर्तों के साथ दी गई है, लेकिन मनीष सिसोदिया को फिलहाल जमानत तो। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मनीष आपका। तो दिल्ली की आबकारी नीति और धन संशोधन से जुड़े अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। दो जजों की पीठ आज दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने उन पर शर्त लगाते हुए निर्देश दिया है कि वो अपना पासपोर्ट जमा कर दे। उन्हें हर सोमवार थाने में गवाही भी देनी होगी। और उसके साथ ही कोर्ट ने उनसे ये तक कहा है कि वो गवाहों को प्रभावित करने की कतई कोशिश ना करे। कोर्ट ने उन्हें सचिवालय जाने की इजाजत दी है। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ में सुनवाई के बाद 6 अगस्त तक वो फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।